जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है, मोलस्क का, है ना। मोलस्क का भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसके फ्यूचर्स की अगर हम बात करें दोस्त, तो क्या है, बायलेटरी सिमेट्रिकल बॉडी है और टेबलोप्लास्टिक है ना। लेस सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी विच इज डिवाइड इनटू हेड, फुट एंड वेजरल मास। अब इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और जो है वो उसमें सेगमेंटेशन इतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता। बेसिकली उसमें हेड, फुट और वेजरल मास में डिवाइड होती है इनकी बॉडी, है ना। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट है। और इनकी भी कैविटी दोस्त किससे बनी हुई है, हीमोकॉइल, मतलब कैविटी के अंदर इनके ब्लड फिल्ड होता है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इससे पहले वाले के पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट था। सेक्सेस इनके पास दोस्त जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और एक्सक्रिएशन के लिए इनके पास दोस्त मैटर नेफ्रिडिया के पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मैटर नेफ्रिडिया किस फाइलम का जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम फॉर्म करता है, तो वो मोलस्का का, है ना। लिम्स इनके अलावा इनमें प्रेजेंट होते हैं, लिम्स आउटर बॉडी से अटैच हुए रहते हैं ना, और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मैरीन एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की दोस्त बात करें तो जैसे चेटन है ना, ऑक्टोपस, पेला, यूनियो और डेंटेलियम, ये सब क्या है, मोलस्का के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ये दोस्त आपको याद करने ही पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि काफी पूछे जाते हैं। जो पेक्यूलर हैं, जो थोड़े से डिफरेंट हैं, वो दोस्त आपको श्योर याद करने ही है, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त।